कहते हैं दीवारों के कान होते हैं, पर अक्सर सिर्फ कान होते हैं, मुंह और आंखें होकर भी बंद रहते हैं। घर की चार दीवारों के बीच पनप रहे तनाव और दर्द को ना देखते हैं ना बयां करते हैं। चार दीवारों के बीच ना सिर्फ इंसान का दम बल्कि पूरी रूह घुट जाती है। पर चार दीवारों के पीछे मिले तन पर घाव और दिल का दर्द दोनों अक्सर छुपाए जाते हैं। या फिर दोनों को भुलाए जाने की कोशिश की जाती है। पर जब अपने पराये बनकर वार करते हैं तो बर्दाश्त की सीमा पार हो जाती है और जुर्म का बदला जुर्म से होता है। हाँ मां, बस निकल ही रहा हूं। 9:20 की फ्लाइट है, 11:30 पहुंचेगी दिल्ली। रात को होटल में रुकूंगा, सुबह आऊंगा बाय रोड हिसार, सीधा विक्की के मंडप में। जी मां, प्रणाम। शुभम प्लीज सबको समझा देना कि मैं क्यों नहीं आ पाई। ऑफ कोर्स नंदिनी, कोई फॉर्मेलिटी तो है नहीं ना। विक्की और उसकी वाइफ जब मुंबई आएंगे ना, तगड़ी पार्टी देंगे उन्हें। ऑफ कोर्स यस, और मेरा गिफ्ट देना मत भूलना उसे। श्योर। और सुनो, अपनी कमर का ध्यान रखना, ठीक है? एक मिनट, अरे मेरी टैक्सी आ गई, चलो परसों मिलता हूँ। ओके, सर आपने पुणे का एग्जैक्ट एड्रेस नहीं डाला है। एग्जैक्ट एड्रेस थोड़ी देर में मिलेगा, तब फीड कर दूंगा। तुम पुणे की तरफ चलते रहो और ये म्यूजिक बंद कर दो जरा। शुभम चौहान ने अपनी पत्नी नंदिनी चौहान को झूठ बोला था कि वो वाया दिल्ली हिसार जा रहा है, जबकि प्लान पुणे का था। पर शुभम चौहान को भनक तक नहीं थी कि किसी और ने भी एक और प्लान बनाया था, उसकी मौत का प्लान। बहुत जोर से लगी थी तो मैं झाड़ी में आ गया। कविता, टोल नाके किसी से चेक करो, किसी को भयंकर गुस्सा रहा होगा इस आदमी पर। हाँ बे। भाभी नमस्ते। भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अरे पर शुभम को तो अभी तक पहुंच जाना चाहिए था। वही तो बात है, यहाँ विक्की की शादी भी हो गई है और भैया की कोई खबर भी नहीं है। बताओ। पर शुभम तो कल रात की फ्लाइट से ही दिल्ली चले गए थे, मम्मी जी से बात भी तो हुई थी। हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं भाभी, जरा देखिए ना क्या बात है। हाँ हाँ मैं देखती हूँ। यही है, स्पीड अप टैक्सी से पुणे आया था, टैक्सी में अकेला है। टैक्सी नंबर है MHXX994E। टैक्सी कंपनी को कॉल करके ड्राइवर का नंबर लो और उसे लाश की फोटो भेजो तुरंत। नंदिनी जी, आपके पति मिस्टर चौहान कल शाम की फ्लाइट से दिल्ली गए थे। जी, वो रात को होटल में रुक के सुबह हिसार के लिए निकलने वाले थे बाई रोड। कौन सी एयरलाइन की फ्लाइट थी? सॉरी ये तो नहीं पता। दिल्ली के किस होटल में रुकने वाले थे कुछ पता है? सॉरी ये भी नहीं पता, वो बस 2 दिन के लिए जा रहे थे, कल लौट के आने वाले थे फैमिली में एक वेडिंग अटेंड करके। दिशा एक काम करो, कल शाम की मुंबई से दिल्ली जाने वाली सारी फ्लाइट चेक करो और मिस्टर चौहान का फोन ट्रैकिंग पे डाल दो। राइट सर। ठीक है मिस्टर चौहान, हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। मैडम जी फोटो देखा मैंने, वही आदमी है मिस्टर शुभम चौहान। कल शाम को उनकी बुकिंग थी पुणे के लिए, उनको मैंने मलाड के शाइनिंग पल अपार्टमेंट से पिकअप किया था। शाम मुझे शाइनिंग पल अपार्टमेंट का एग्जैक्ट एड्रेस चाहिए, जल्दी मैसेज करो। जी मैडम अभी कर देता हूँ। सर स्पीड अप कंपनी के टैक्सी ड्राइवर श्याम शुक्ला ने फोटो आइडेंटिफाई की, कोई शुभम चौहान है मलाड वेस्ट मुंबई से, ये उसका एड्रेस है। इस नंबर पर कोई और मूवमेंट? सर अभी भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है,
इस एड्रेस का लेने निकाल कर फोन करो। मम्मी जी, मैंने मिसिंग कंप्लेन दर्ज करा दी है, पुलिस पता कर रही है कि क्या हुआ है। उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया था नंदिनी? बताया होता तो मैं आपको और पुलिस को बताती ना। मेरी तो जान ही निकली जा रही है। मम्मी जी, मेरा भी यही हाल है। मुझे जैसे कोई खबर मिलती है ना, मैं आपको फोन कर दूंगी। हेलो, क्या ये शुभम चौहान का लैंडलाइन नंबर है? जी, मैं उनकी वाइफ नंदिनी चौहान बोल रही हूँ। आप कौन बोल रही है? पुणे पुलिस। हमें एक लाश मिली मैडम। कौन था ये आगंतुक की अचानक आधम का अजनबी जिसने मुंबई के खुशहाल चौहान परिवार पर कहर बरसाया था? क्या थी इस आगंतुक की मंशा जिसके चलते शुभम चौहान की इतनी भयंकर हत्या कर दी गई? उसी दिन लाश की शिनाख्त करने के लिए उसकी पत्नी नंदिनी चौहान पुणे पहुंची और उसने अपने पति की लाश को पहचान लिया। यही सवाल शुभम के छोटे भाई अभय और माँ देविका का भी था, जो कि हिसार की एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस फैमिली से थे। इतनी बेरहमी से की गई हत्या किसी गहरी दुश्मनी और नफरत दोनों की तरफ इशारा कर रही थी। इस कत्ल और उसके मकसद को समझने से पहले शुभम चौहान को समझना जरूरी था। कौन था यह आदमी, क्या था इसका इतिहास और वर्तमान जिसने उसके भविष्य पर इतनी बेरहमी से रोक लगा दी थी? नंदिनी जी, क्या काम करते थे आपके हस्बैंड? शुभम ऑनलाइन कंटेंट राइटर थे, वो वेबसाइट्स के लिए आर्टिकल लिखते थे। उन सभी वेबसाइट्स के नाम लिखकर दे दीजिए आप हमें प्लीज। शुक्ला। हाँ? पुलिस। हाँ हाँ मैडम, आप मुझे बता चुकी हैं कि शुभम चौहान की 8 अगस्त की कोई बुकिंग नहीं थी। आप मुझे ये बताइए कि कोई और बुकिंग तो नहीं थी किसी और दिन की? ठीक है, आप चेक कीजिए, मैं होल्ड कर। क्या आप बुकिंग ऑर्डर मुझे तुरंत फैक्स कीजिए, राइट नाउ। कई वेबसाइट्स के लिए काम करते थे, फेमस वेबसाइट्स। जी हाँ, वो अपने काम में काफी अच्छे थे। काम को लेकर शुभम की किसी के साथ कोई अनबन, कोई इशू, कोई दुश्मनी? नहीं, शुभम ज्यादातर घर से ही काम किया करते थे। सर, नंदिनी जी, आपके पति ने 8 अगस्त की नहीं बल्कि 9 अगस्त की सुबह की फ्लाइट बुक की थी। क्या? पुणे टू मुंबई सुबह 6 बजे की और मुंबई टू दिल्ली सुबह 8 बजे की। क्या वजह रही होगी कि आपके पति ने आपसे झूठ बोला? नो आइडिया सर। शुभम का अक्सर पुणे आना जाना होता था, कोई जान पहचान वाला रहता होगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था साहब। उन्होंने पुणे में कोई ड्रॉप एड्रेस नहीं डाला था, मैंने पूछा तो बोले बताएंगे। तो कब बताया और कहाँ ड्रॉप किया? जब हम पुणे में इंटर हुए ना साहब, तब उनको एक कॉल आया था। हेलो, हाँ पुणे पहुंच गया हूँ मैं, GTI कॉलेज क्रॉस किया है। कहाँ पर? अच्छा अच्छा, आता हूँ मैं। भैया ये रोड के एंड से पहले जो लेफ्ट है वहाँ रोक लीजिएगा। जी। कितने हुए? उन्होंने कैश पे किया और वहीं रुके रहे, मैं चला गया साहब। उसे वहाँ रिसीव करने के लिए कोई नहीं था, बस ऐसे ही सड़क पर ड्रॉप कर दिया? जी साहब। अगर तू झूठ बोल रहा है ना, तो याद रखना ये तेरी जिंदगी का आखिरी खाना होगा। शुभम घर से बहुत कम बाहर निकला करते थे, ये हिसार वाली शादी के लिए वो महीनों बाद मुंबई से बाहर जा रहे थे। उनकी दुनिया उनका काम ही था, उनका कंप्यूटर। बिल्डिंग में किसी के साथ कोई झगड़ा या फिर कोई और पुरानी दुश्मनी? नंदिनी जी, आप ठीक हैं? दुश्मनी बिल्डिंग में नहीं थी, घर में थी, हमारे घर में। किससे? शौर्य, हमारा बेटा। वो उन दिनों कॉलेज के फाइनल ईयर में था। शौर्य, शौर्य दरवाजा खोलो एंड कम आउट राइट नाउ। शौर्य, मैं क्या बोल रहा हूं, ओपन द डोर। शौर्य, इतनी हिम्मत तुम्हारी
घर में ड्रग्स लोगे तुम? डैड मैंने ड्रग्स नहीं लिए हैं। शौर्य, how dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने डैड पे हाथ उठाने की? मैंने हाथ नहीं उठाया। डैड झूठ बोल रहे हैं, मैंने ड्रग्स नहीं लिए। Shut up! पहले भी मैंने तुम्हें ड्रग्स के साथ पकड़ा था। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम ये दोबारा नहीं लोगे। लेकिन अभी मैंने ड्रग्स नहीं किए हुए हैं। नहीं लिए तुमने? तो ये क्या है? किसका है ये? बकवास है ये। मैं हार्ड ड्रग्स नहीं लेता हूँ, ये मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता है कैसे ये मेरे बैग में आया। किसके है फिर? मेरे? तुम्हारी मॉम के? तुम्हारी बहनों के? शुभम और मैंने उसे काउंसलर के पास भेजा, रिहैब भी भेजा, पर नहीं, हर बार वहां से भाग आता और फिर ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता। घर से पैसे भी चुराने लगा था। नंदिनी, मेरे वॉलेट से कैश तुमने लिया है? नहीं तो? तारा, जिया, कितने लिए उसने? क्या फर्क पड़ता है, चोरी चोरी ही होती है। कुछ ही दिनों में घर से चीजें गायब होने लगी, फिर मेरे गहने। हम थक गए थे। नंदिनी, रोने से कुछ नहीं होने वाला। अब हमें एक हार्ड डिसीजन लेना होगा। क्या? शौर्य, तुम्हारे डैड तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट कहेंगे, ठीक से सुनो और समझ लेना, ओके? क्या कहेंगे? देखो शौर्य, अगले 6 महीने में तुम 21 के हो जाओगे। तो तुम्हारी मॉम और मैंने ये डिसाइड किया है कि तुम सही में एडल्ट बनो। अपनी आजादी एंजॉय करो तुम, मगर खुद की कमाई से। तो आप लोग चाहते हैं कि मैं जॉब करूं? जॉब करो, ड्रग्स करो, जो करना करो तुम्हें, मगर अपनी कमाई से, अपने घर में। मॉम, आप लोग मुझे घर से निकाल रहे हैं? तुम्हें घर से कोई नहीं निकाल रहा। तुम्हारे डैड और मैं चाहते हैं कि तुम रिस्पॉन्सिबल बनो, दुनिया को एक्सपीरियंस करो, सीखो कि कितना मुश्किल होता है सर्वाइव करना। इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, सबके बिल्स भरने पड़ेंगे, तब देखते हैं कहां से पैसे आते हैं तुम्हारे पास ड्रग्स के लिए, और टाइम कहां से मिलता है। भाई, भाई रुक जाओ, भाई प्लीज, भाई, भाई मॉम, रोको ना भाई को प्लीज। डैड अभी क्या कर रहे हैं? भाई प्लीज मत। डैड प्लीज भाई को रोको। दिल पर पत्थर रख के हमने ये फैसला लिया था, पर शौर्य ने उसकी अहमियत नहीं समझी। अपने ही घर को बर्बाद करने की ठान ली थी उसने। इस वक्त कहाँ है शौर्य? करता क्या है? लास्ट सुना था किसी पिज्जा चेन में काम कर रहा है। मेरा फोन तक नहीं उठा था। और आपको लगता है शौर्य ने ही अपने डैड का मर्डर किया है? आपको उसका एड्रेस पता है? पेक्यूलर पिज्जा में काम कर रहा था, शायद वहां से एड्रेस मिल जाए। सर, टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि शुभम को उसकी टैक्सी से जस्ट उतरने के पहले कोई कॉल आया था। नंबर फर्जी होगा, फिर भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और पिक्यूलियर पिज्जा कंपनी से शौर्य का एड्रेस लो, उठा के लेके आओ उसको। जी दिशा, इन सारी वेबसाइट्स पे बात करो, पता करो शुभम का किसी के साथ किसी तरह का कोई इशू था क्या। ओके सर। सर, ये मिसेस चौहान कह रही थी कि शुभम पूरा टाइम कंप्यूटर पे काम करता था, तो हमें उसकी ऑनलाइन हिस्ट्री और हार्ड डिस्क स्कैन करनी चाहिए। राइट, लैपटॉप स्कैन करो, डिलीटेड हिस्ट्री के लिए फॉरेंसिक के पास भेज दो, और शुभम की बिल्डिंग में भी बात करो, उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करो। होती अजीब केस है, एक औरत अपने पति के मर्डर का इल्जाम अपने ही बेटे पे लगा रही। शौर्य, शौर्य दरवाजा खोल, शौर्य दरवाजा खोल, शौर्य दरवाजा खोल। थैंक यू नंदी जी। लेकिन आप शुभम का लैपटॉप क्यों चेक करेंगे? मैंने कहा आप लोगों से कि शौर्य। आपने कहा वो ठीक है, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन खुद करेंगे। एक मर्डर के कई कारण हो सकते हैं, और कई बार तो ऐसे कारण जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। थैंक यू फॉर दिस। उठना यार, पुलिस आई है, बातचीत करना चाहती है। उठना। कमाल है। सॉरी। इस पिक्युलर पिज़्ज़ा कंपनी ने अभी तक इसे जॉब पर रखा कैसे? नो सर, काम में अच्छा है, रिसेंटली इसका प्रमोशन भी हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर बना है सर।
सर नॉर्मली ज्यादा लेता नहीं है, पर दो दिन से थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं। इसके डैड के मरने के बाद सेलिब्रेशन। नजर लग गई हमारी फैमिली को। पर आप हमारी नजर में नहीं लाएं कि आपकी दो बेटियां भी हैं। थी मेरी छोटी बेटी जिया, 2 साल पहले ये कहां हुआ था सुसाइड? उसके स्कूल के पास। क्यों हुआ था मिस्टर चौहान? हमें कभी पता ही नहीं चला, वो काफी परेशान थी। जिया अपने हाथ दिखाओ। जिया तुम दिन में कम से कम 30-40 बार हैंड वॉश करती हो और 8-10 बार शॉवर लेती हो। नहीं। कैसे नहीं बेटा, तुम्हारे वॉशरूम में 1 महीने का हैंड वॉश और शैम्पू 2 दिन में खत्म हो रहा है, ये देखो प्रूफ। क्यों बेबी क्यों? मुझसे कंट्रोल नहीं होता, सॉरी, मैं ट्राई करूंगी ना करने की। बेटा आपको कोई बात डिस्टर्ब कर रही है क्या? स्कूल में कुछ हुआ है? देखो जी हमें बताना पड़ेगा ना आपको, मॉम और डैड आपकी मदद कर सकते हैं, प्लीज। शुभमा मेरी लाडली थी जी, हाँ बिल्कुल सीधी सी सहमी सी, कभी कोई डिमांड्स नहीं, शौर्य से एकदम अलग। और आपकी बड़ी बेटी तारा? शौर्य की फीमेल वर्जन, सिद्धि, छोटी छोटी बात पर लड़ना। 2018 में अपनी मर्जी से अपने कलीग अभिषेक के साथ शादी कर ली और 1 साल के अंदर उससे लड़के वापस आ गई। क्या हुआ तारा, क्या हुआ तारा, क्या हुआ बेटा? मैं अभिषेक को डिवोर्स दे रही हूँ। डिवोर्स? पर क्या क्या है उसने? पागल मत बनो तारा, शादी डिवोर्स कोई बच्चों का खेल नहीं होता। गुड गुड के जीना भी तो कोई खेल नहीं है ना माँ, जो मेरे अंदर चल रहा है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। हमने उनका पैचअप कराने की पूरी कोशिश की पर तारा नहीं मानी। माजरा क्या था? ये पति अभिषेक, अफेयर था उसका, हाथ उठा था तारा पे। अभिषेक तो अच्छा लड़का था, वो तो बस तारा को उसमें सिर्फ बुराइयां ही दिखती थी। अभिषेक का घर छोड़ने के बाद तारा हमारे साथ 3 महीने तक रही और फिर सडनली मैं और शुभम उसके लिए विलन बन गए। कमॉन तारा, हमने ऐसा भी क्या कर दिया है? मुझे कोई बात नहीं करनी है। तारा रुको, ये क्या बचपना है तारा, मेरी बात। फोन नंबर चेंज कर लिया, कोई एड्रेस नहीं छोड़ा, 3 महीने से कोई कॉन्टेक्ट नहीं। पर हुआ क्या था? वो ही जाने, हमने तो बस इतना कहा था कि अभिषेक के साथ खुद को एक और चांस दे, फिर से नई शुरुआत करे। पर नहीं, गुस्सा तो नाक की नोक पे रख के घूमती थी। अपने फादर के साथ कोई झगड़ा हुआ था उसका? अरे नहीं, शुभम से बेटर फादर तो इन बच्चों को मिल ही नहीं सकते थे। जैसे मैंने कहा ना आपसे, मेरी फैमिली को नजर लग गई। देखिए मुझे बिल्कुल अकेली। शौर्य, 8 अगस्त की रात तुम कहां थे? 8 अगस्त परसों रात? परसों तो मैं यही घर पर ही था सर। 8 अगस्त को मेरा ऑफ था तो पूरी शाम मैं घर पर ही था। और शौर्य? इसकी ड्यूटी थी तो शायद ही घर पर नहीं था। हाँ मैं ड्यूटी पर था। नहीं थे सर, 8 अगस्त को शाम को 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक मेरी ड्यूटी थी पिक्यूलियर पिज़्ज़ा में। दरअसल हम तीनों वहीं पर जॉब करते हैं। शौर्य की भी शिफ्ट थी? थी सर, लेकिन इसने सीक लीव ली थी। हाँ मेरी तबीयत खराब थी। कौन से हॉस्पिटल में थे? क्योंकि घर पर तो तुम नहीं थे। हॉस्पिटल नहीं, याद है मैं मूवी देखने गया था सर। मूवी कौन सी थी? थिएटर कौन सा था? थिएटर यहीं पास में ही था। अगर तुम एक्टिंग कर रहे हो ना तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन अगर वाकई में तुम्हें परसों का दिन याद नहीं तो ये नशा तुम्हें बहुत जल्द खत्म करेगा। नशा यादें खत्म करता है, इसलिए करता हूं। शौर्य चौहान ने ऐसा क्या किया था कि जिसकी यादों को भुलाने के लिए वो नशे का सहारा ले रहा था? नंदिनी के शब्दों में उसके परिवार को किसकी नजर लग गई थी?
शुभम चौहान के कत्ल की तहकीकात दरअसल एक परिवार का पोस्टमार्टम साबित हुआ। अब मैडम कोई मुझे बताएगा मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? अंदर चलिए बताया जाएगा। तुम दोनों को भी बुलाया जाएगा, तब तक बाहर बैठो। मिसेस चौहान आपने हमें बताया नहीं कि जिया की मौत कोई सिंपल सुसाइड केस नहीं था? ये रहे जिया के सुसाइड केस के पेपर्स। पर ये पेपर्स आपके पास कहां से आए? आपसे बात करने के बाद मैं कांदीवली पुलिस स्टेशन गई थी, वहां से जिया की क्लोजर रिपोर्ट ली। ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? और जिया के सुसाइड का शुभम के मर्डर केस से क्या लेना देना? पुलिस ने सुसाइड एस्टेब्लिश किया, चार्जशीट फाइल की, लेकिन आपने उस चार्जशीट को चैलेंज किया ये कहते हुए कि आपको अपने बेटे शौर्य पे शक है, उसके सगे भाई पर। मुझे सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि मेरे सेलफोन का लोकेशन उस बिल्डिंग के बाजू का दिखाई दे रहा था जहाँ से मेरी बहन जिया कूदी थी। जब मॉम डैड ने मुझे घर से निकाला तब मैं मेरे फ्रेंड कार्तिक और असलम के फ्लैट में मूव इन हुआ। उन्होंने मेरी पिकुलर पिज्जा में जॉब लगवाई। एक साल के प्रोबेशन के बाद मैं कन्फर्म हुआ था। मुझे खुश होना चाहिए था लेकिन जिया की सुसाइड को लेकर काफी डिप्रेस था मैं। मुझे बहुत पीटा गया कुत्तों की तरह, लेकिन सर मैं यही कहता रहा कि मैं मेरी छोटी बहन का मर्डर क्यों करूंगा। पूरे 6 महीने इन्वेस्टिगेशन चली लेकिन वो लोग मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पाए। सुसाइड के वक्त तुम्हारा फोन लोकेशन उस इलाके में क्यों था? क्योंकि सर वो बिल्डिंग और जिया का स्कूल मेरी पिज्जा आउटलेट के बगल में है। जिया कभी कभी मुझसे मिलने आती थी। मिसेज चौहान मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आपने अपने बेटे शौर्य पर शक क्यों किया था? क्या जिया ने आपसे शौर्य के बारे में कभी कुछ कहा था? कोई झगड़ा हुआ था दोनों के बीच में? तो तुमने पता लगाया कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम क्यों लिया था? माँ ने लिया था बाप के कहने पर। क्या मतलब? बेमतलब कारो, नफरत थी मेरे डैड को मुझसे। मॉम पुलिस ने केस क्लोज कर दिया, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला उन्हें और मेरा गुडलक की कंपनी ने मुझे जॉब से नहीं निकाला। बस प्लीज मैं ये चाहता हूं कि आप डैड से बोलें कि वो वहां जाकर मेरे बारे में कुछ अफवाह ना फैलाएं। जस्ट लीव मी अलोन, मैं यहां पर दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगा। बस एक बार ये जानना चाहता हूं कि चलो डैड तो मुझसे नफरत करते हैं लेकिन आप, आपको ऐसे कैसे डैड ने ब्रेन वॉश कर दिया? मुझे और तुम्हारे डैड को बहुत दुख है कि ड्रग्स ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया और इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल भी हैं। बट प्लीज अभी के लिए तुम यहां से जाओ, आगे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सच क्या है तुम भी जानते हो और हम भी। क्या था ये सच मिसेज चौहान जो आपको शुभम को पता था और शौर्य को भी पता था? मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकती। नंदिनी जी क्या शौर्य जिया को गलत तरीके से? तुम्हें कैसे पता चला शुभम? क्या तुमने कुछ देखा था, कुछ सुना था या जिया ने खुद तुमसे कुछ कहा था? डायरेक्टली कुछ नहीं कहा था उसने, मगर उसकी डेथ से कुछ ही दिन पहले एक रात मेरी बात हुई थी उससे। रिया, अरे अब क्या हुआ? ये लो बेटा दूध पियो और मुझे बताओ क्या हुआ है, डैड हेल्प कर सकते हैं आपकी। ये दूध गिरा दूं तो वापस ग्लास में नहीं डाल सकते ना, कुछ वैसा ही है। छोड़िए आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो ना। जब कोई आदमी ड्रग्स करता है तो क्या वो भूल जाता है उसकी मॉम कौन है, सिस्टर कौन है,
क्या वो जानवर बन जाता है? As parents, हम फेल हो गए नंदिनी। जिया हमसे कुछ कहना चाहती थी मगर कहने से पहले ही चली गई। शायद शौर्य ने उसको धमकाया हो या शौर्य ने उसको कुछ कर दिया हो। तुम्हारा मतलब शौर्य ने जिया को मारा है? आजा जिया। भाई आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कुछ बोलिए तो। कह रही थी मम्मी डैडी को बताएगी। आप अगर ये सब बंद नहीं करेंगे तो मैं बोलूंगी। मुझे गंदा लगता है भाई। अब नहीं लगेगा। उसके बाद मैंने कोर्ट में शिकायत की शौर्य के खिलाफ, मेरे अपने बेटे के खिलाफ जो इतना गिर चुका था। उसे जेल में ही होना चाहिए था। उसने जिया को मार डाला। मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है सर। और अब आपकी फीलिंग है कि शौर्य ने ही शुभम का भी मर्डर किया? 100%। और कौन करेगा बताइए। हे, चलो तुम दोनों। और सुन, गलती से जाके टॉयलेट में नशा करेगा ना, वहीं फ्लश कर डालूंगा, समझे? तुम लोग भी नशा करते हो? मैं कभी कभी, ये नहीं करता सर। पर सर, इस मर्डर में हमारा कोई कनेक्शन नहीं है सर। अटेम्प्ट टू मर्डर का तो है ना। तुम लोग पिज्जा बनाते हो, इतना तो पता ही है कि पिज्जा बनाने से पहले काफी तैयारी पहले से करके रखनी पड़ती है, फिर उसको सजा कर ओवन में डाल दिया जाता है। जी सर। हमारा भी कुछ ऐसा ही है। तुम तीनों को उठाने से पहले थोड़ी तैयारी हमने भी करके रखी थी। ताबिया जो आपका शुभम चौहान है ना, वो जहाँ रहता था शाइनिंग पल अपार्टमेंट, उसके पास एक रास्ता है। वो सुनसान रास्ता जो पीछे की तरफ जाता है? जी मालिक। दिसंबर 2016 में 3 नकाबपोश लोगों ने हमला किया था शौर्य को उसके अपने घर से निकाले जाने के बाद, जब वो तुम दोनों के साथ रहने आया था। सर, दरअसल शौर्य अपने डैड से नफरत करता था और उन्हें चोट पहुंचाना चाहता था। दरअसल सर, हमारा इरादा उनको चोट पहुंचाना था, मर्डर करना नहीं था सर। बस सर, हम शौर्य की बातों में आ गए थे। उसे एक टाइम सर, सिर्फ उसे एक टाइम। भाई मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हूं मैं, ना वॉलेट है ना मोबाइल है, कुछ नहीं है मेरे पास, जाने दो मुझे। शुभम ने शौर्य का नाम पुकारा जाना सुन लिया था, लेकिन उसके बिना भी वो पहचान लेता। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए इतनी नफरत देखी है। वो ड्रग्स लेकर पागल होता जा रहा है, कल को कुछ और भी कर देगा। करने दो उसे, पर मैं अपने बेटे के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट नहीं करूंगा, फिर भले ही मेरी जान क्यों ना ले ले। काश उस दिन टांग की जगह सर फोड़ दिया होता, डैड का मार दिया होता, जो तुमने अब कर दिया है ना सर। काश किया होता, सुकून मिलता मुझे, लेकिन मैंने नहीं किया है और आप ये कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि मैंने किया है। वो हम पे छोड़ दो, एक एक बार साबित की जाएगी। कैसे सर? 8 अगस्त को मैं फिल्म देख रहा था मुंबई में और डैड वहाँ पुणे में मारे गए। सर समझो, अगर मैं मुंबई में नहीं था तो डैड मुझसे मिलने पुणे क्यों आते? और वो मॉम से झूठ बोलकर पुणे गए ये कहते हुए कि दिल्ली जा रहे हैं। सर आपको कोई बड़ा झोल नजर नहीं आ रहा है? इस वक्त मुझे सिर्फ तुम नजर आ रहे हो शौर्य। 2 घंटे पहले तक तुम खुद का नाम ठीक से नहीं बोल पा रहे थे और अब एक शातिर जासूस की तरह बात कर रहे हो। जासूसी आपको करनी है, पुराना केस खोलिए, मेरी बहन जिया के सुसाइड का। सर मैं आपको लिख कर देता हूं कि मेरी बहन जिया के सुसाइड में मेरे डैड का हाथ था। जिया इतनी डाउन क्यों लग रही हो? भाई डैड ने आपको घर से नहीं निकालना चाहिए था, मैं मिस करती हूँ आपको। आई नो जिया, और कोई बात तो नहीं है ना? स्कूल में कोई प्रॉब्लम या फिर कोई लड़का? जिया ऊपर देखो, भाई को नहीं बताएगी? कुछ नहीं भाई, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जिया
उसे सच झूठ सही गलत के बीच में कुछ समझ में नहीं आता। अब तो मुझे शर्म भी नहीं आती कि मैंने शौर्य को जन्म दिया। मेरे अंदर अब उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं बची है। मेरी मॉम से जिया ने कुछ कहा ही नहीं होगा, क्योंकि मॉम डैड के अलावा किसी की सुनती नहीं थी। सर आप मेरी बड़ी बहन तारा से कॉन्टेक्ट कीजिए, जिया ने तारा को जरूर कुछ ना कुछ तो बोला होगा। पर तारा का कोई पता नहीं था। तारा अपने पति से अलग क्यों हुई थी और फिर वो अपना घर छोड़कर कहां गायब हो गई थी और क्यों? मुझे क्या पता वो कहां चली गई है। मुझे मिलेगी तो मैं सबसे पहले उसे डिवोर्स देकर मुक्त हो जाऊंगा। तारा तुमसे अलग क्यों हुई थी? आई डोंट नो। इसका जवाब आपको सिर्फ तारा ही दे सकती है। और प्लीज आप जाइए और उसे ढूंढिए, मेरे सामने लाकर खड़ा कीजिए। मेरी लाइफ रुकी हुई है उसकी वजह से। 8 अगस्त को तुम कहां थे? मैं पिछले 3 हफ्तों से सिंगापुर में था काम से, परसों ही लौटा हूं। और पेपर्स में पढ़ा मैंने अपने फादर इन लॉ के मर्डर के बारे में। अभिषेक वाकई में सिंगापुर में था? यस सर, मैंने उसकी कंपनी से चेक किया, एयरलाइन टिकट सब इन प्लेस है। शुभम की ऑनलाइन वेबसाइट से कोई फीडबैक? मैंने सभी वेबसाइट्स को कॉन्टैक्ट किया, सब यही कह रहे हैं कि उसका किसी के साथ कोई इशू नहीं था। और हाँ, किसी ने उसको पुणे भी नहीं भेजा था। तो शुभम अपनी वाइफ को झूठ बोलकर पुणे गया क्यों था? कोई तो माजरा है शुभम को लेकर। सब वो जो सर कॉल आई थी कार में। हाँ पुणे पहुंच गया हूँ मैं। पुणे पुलिस ने कंफर्म किया कि वो नंबर फर्जी था। पुणे पुलिस को बोलो कि उस फर्जी यूजर को ट्रेस करें। और शुभम के लैपटॉप से कुछ मिला? ऑनलाइन जिंदगी जी रहा था वो। फॉरेंसिक टीम स्कैन कर रही है, थोड़ा टाइम लगेगा रिपोर्ट आने में। सर मैक्स फन सिनेमा की सीसीटीवी में शौर्य दिखा है, फिल्म खत्म होने के बाद भी बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, उसके बाद कॉलोनी के बाहर के सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है घर की तरफ जाते हुए। मतलब साफ है शौर्य पुणे तो नहीं गया सर। पर शुभम पुणे गया था, वहां किसी से मिला, फिर उसका मर्डर हो जाता है। अब सवाल यह है कि शुभम वहां खुद से गया था या फिर कातिल ने उसका मामला है। हर्षित बोलो। साहब मालवानी से बोल रहा हूं, यहाँ एक राजू ड्राइवर जिसे इस साल मई के महीने में शुभम ने नौकरी से निकाल दिया था, इससे कोई टिप मिल सकती है साहब, आप उठवा लो। पूरे 2 साल ईमानदारी से ड्यूटी की थी चौहान फैमिली की। वो शुभम साहब के किसी एक्सीडेंट में टांग टूट गई थी, तब उन्होंने मुझे रख लिया था। साहब मैं पूरी शिद्दत से ड्यूटी करता था शुभम साहब की, सबसे घुल मिल भी गया था। जब जिया ने आत्महत्या की तो मुझे लगा मैंने अपनी छोटी बहन को खो दिया। मैं अपने आप को उस फैमिली का मेंबर समझने लग गया था सर, नंदिनी मैडम और तारा के साथ काफी घुल मिल गया था। पर पता नहीं किसने कान भर दिए उनके मेरे खिलाफ। साले मेरी बेटी के साथ अफेयर करेगा तू, उसकी शादी में अगर दिक्कत आ रही है तो उसका फायदा उठाएगा। साहब किसने आपसे कहा कि मैंने तारा मैडम के साथ कोई अफेयर किया है? आप बुलाइए ना तारा मैडम। ना तो वो तेरे सामने आएगी ना तू उसके सामने आएगा। नंदी ने इसके जो पैसे बनते हैं उसके मुंह पे मारो, निकालो उसको यहां से। आप कुछ बोलिए ना साहब को, जरूर आप लोगों के कान भरे किसी ने। मैडम आप तो जानती हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं। देखो अच्छा यही होगा, अपना हिसाब बताओ लो और निकलो यहां से। सुन मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं किसी बाहर वाले को उसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, निकल यहां से। अरे सर मुझे कैसे पता? उस दिन के बाद मैंने डायरेक्ट पेपर में पढ़ा साहब के बारे में। तुम पहले कहां काम करते थे, अब क्या करते हो और तुम हो कहां से? मैं लखनऊ से हूँ, मैंने BA फर्स्ट ईयर तक पढ़ाई की है, यहाँ मुंबई काम की तलाश में आया था। 4 साल हो गए कोई ढंग का काम नहीं मिला, इसलिए पैसे के लिए ड्राइवर की जॉब पकड़ ली। ये शौर्य को जानते हो तुम? लेकिन सिर्फ नाम से, कभी मिला नहीं। सुना था ड्रग्स के चक्कर में घर छोड़ दिया उसने। अपनी सारी डिटेल्स यहाँ लिखो। शुभम सर के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। हाँ बुरा जरूर लगा था मुझे जब जॉब से निकाला गया जलील करके, उससे ज्यादा बुरा तो तब लगा जब मैडम ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। हाँ ठीक है डिटेल्स लिख दो यहाँ पे। नंदिनी जी पहले आपने हमें जिया के बारे में नहीं बताया, फिर आपने हमें अपने ड्राइवर राजू के बारे में नहीं बताया। हमसे इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपाने का कोई खास कारण? नहीं छुपाने जैसा कुछ नहीं है, बल्कि घिन की वजह से नहीं बताया। आपकी फीलिंग्स अपनी जगह है नंदिनी जी,
लेकिन ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्या कोई और बात है जो घिन की वजह से आप हमें नहीं बता रही हैं? नहीं कुछ नहीं, पर अफेयर था। मुझे और शुभम को इतनी शर्म आई हमारी बेटी पर। मॉम ये राजू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? आज मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, उसने छुट्टी उट्टी ली है क्या? नहीं तारा, मैंने राजू को जॉब से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि तारा बेशर्मी की हद होती है। यहाँ हम तुम्हारे और अभिषेक का पैचअप कराने के बारे में सोच रहे हो और तुम हो कि दो कौड़ी के ड्राइवर के साथ। एक तो कोई इंसान दो कौड़ी का नहीं होता, कम से कम उसका फाइनेंशियल स्टेटस डिसाइड नहीं करता कि उसकी क्या हैसियत है। और रही दूसरी बात, मेरी पर्सनल लाइफ में मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं, ये मेरा लुकआउट है। पर बेटा, तुम्हारी पर्सनल लाइफ हमारे घर के कैरेक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं हो सकती ना? आई डोंट बिलीव दिस। आप दोनों मुझे कैरेक्टर का लेक्चर दे रहे हैं। घर का कैरेक्टर कहाँ है? घर कहाँ है? शौर्य कहाँ है? जिया, ये घर कोई घर है? और 3 महीने बाद तारा घर छोड़कर चली गई। तारा रुको, ये क्या बचपना है? तारा मेरी बात। अफेयर था? पक्का था? या किसी और ने आप दोनों को बोला था कि अफेयर था? किसी ने नहीं बोला, शुभम ने उन्हें देख लिया था। मैंने और शुभम ने पूरी कोशिश की कि हमारे बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दी जाए, पर जैसे कि मैंने आपसे कहा, नजर लग गई हमारी फैमिली को। पुणे में कोई तुम्हारा रिश्तेदार वगैरह है जहाँ शुभम गया? जी नहीं, हमारा कोई रिश्तेदार पुणे में नहीं रहता। जब शुभम हिसार में था या जब दिल्ली में जॉब कर रहा था, कभी किसी ने उसे जान से मारने की धमकी दी हो या किसी क्रिमिनल से पाला पड़ा हो अतीत में? जी नहीं, कभी नहीं। शुभम का एक अतीत तो था जिसकी पुलिस को उस वक्त कोई जानकारी नहीं थी, साथ ही शुभम का एक छुपा हुआ वर्तमान भी था जिसकी पुलिस को ही नहीं बल्कि उसकी फैमिली को भी भनक नहीं थी। तारा की खोज ने शुभम के वर्तमान और अतीत दोनों का पिटारा खोला। ए बॉबी। जी डोली मैम। बॉबी क्या है? इस फोटो को निकाल यहां से, डिलीट कर। अरे उस जगन ने एडवांस लेकर धोखा किया है मेरे साथ। लेकिन बॉबी, अगर जगन ने इस लड़की का सौदा कहीं और कर दिया ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। राशिद, वो तुम्हारी तारा चौहान जिसे पुलिस ढूंढ रही है वो मेरे सामने है। अरे रुक रुक राशिद, धीरे आराम से चल। बोल डॉली मैडम कौन है, जगन कौन है? सब मेरा एक दल्ला दोस्त है पुणे में, बॉबी नाम है उसका। वो इस डॉली मैडम के लिए काम करता है। साहब डॉली मैडम लड़कियों का धंधा चलाती, वो भी ऑनलाइन। ये सारी लड़कियां सप्लायर से खरीदी जाती हैं, फिर वो डॉली मैडम की प्रॉपर्टी बन जाती हैं। साहब ये बॉबी ऑफसाइट काम देखता है, होटल बुक करना, लड़कियों को टाइम पर लाना, उनकी पेमेंट करवाना सब। साहब ये बॉबी डॉली मैडम के छोटे मोटे काम भी करता है, मोटा मोटा बिजनेस मैनेजर है इनका। और ये जगन लड़कियां सप्लाई करता है डॉली के लिए? बिल्कुल साहब, ये जगन अलग अलग जगह से लड़कियां ढूंढता है, खरीदता है, फंसाता भी है। तो बॉबी ने मुझसे बोला कि जगन ने
डॉली से एडवांस लिया था तारा के लिए, लेकिन जगन ने लड़की डिलीवर नहीं की और जगन फरार है साहब। ये जगन भी पुणे का ही है? जी साहब। शुभम भी पुणे गया था सर, और वहां उसका मर्डर हुआ सर। पुणे पुलिस से मैसेज आया है, वो जो फर्जी नंबर था जिससे शुभम को फेक कॉल आई थी वो ट्रेस हो गया है। नाम पता चला उसका? ये सब कोई हिस्ट्री शीटर है, प्रोस्टिट्यूशन के केस में सजा काट चुका है। जगन सेठी नाम है उसका? यस सर। शुभम चौहान को उस आदमी का फोन आया था जो डॉली मैडम को उसकी बेटी बेचना चाहता था। हाउ पॉसिबल, उसकी अपनी सगी बेटी। इंस्पेक्टर सौरभ रावत, मलाड पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर रावत, मैं एक्स ACP राघव कुमार बोल रहा हूँ। 10 साल पहले मैंने पुलिस फोर्स से अर्ली रिटायरमेंट ली थी और तभी से मैं अपनी प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी चला रहा हूँ। जी राघव साहब बोलिए, क्या सेवा कर सकते हैं आप? सेवा तो दरअसल मुझे करनी है तुम्हारी, शुभम चौहान मर्डर केस को लेकर। राघव साहब आप हमें शुभम चौहान मर्डर केस की टिप दे रहे हैं? दरअसल 9 साल पहले का मेरा एक केस था, जब मैंने शुभम चौहान के मर्डर के बारे में पढ़ा तो सोचा आपको फ़ोन करूं। देखिए ये जो तीनों बच्चे हैं तारा, शौर्य, जिया, ये शुभम के अपने बच्चे नहीं हैं। शुभम इनका असली पिता नहीं है। व्हाट? शुभम चौहान, शौर्य, तारा, जिया इनके सगे फादर नहीं थे? बिल्कुल। उसकी बेटी जो मरी थी जिया, उसका बदला लेने में ही शुभम मारा गया होगा। जिया के मरने का बदला आखिर शुभम से कौन लेना चाह रहा हूं? उसकी पत्नी नंदिनी। निशाना बनाया था सामने पे, लेकिन निशाना किसी और का लगा, लेकिन क्या लगा वो कहते हैं कि किसी आगंतुक को, मतलब कि किसी बाहर वाले को अपने घर में इतना बिना घुसने दें कि वही राज करने लगे, वरना उस फैमिली का नाश निश्चित है। इस केस में आगंतुक कौन था? ड्राइवर राजू या तारा का पति अभिषेक, या ड्रग्स से चूर हुआ खुद को भूल चुका शौर्य जो घर वाला होकर भी बाहर वाला हो गया था? इस केस की तहकीकात घर की चार दीवारों में उबल रहे उस तनाव को, उस चौंकाने वाली दुखद और भयंकर किस्म की सच्चाइयों को टटोलने वाली थी, उन पर रोशनी डालने वाली थी, जहां पीड़ित और पीड़ा अक्सर गुमनाम और पर्दे के पीछे रहते हैं, दर्द का घूंट पीते रहते हैं। कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में देखिए कि किस तरह से जिया की मौत से शुभम के मर्डर का ताल्लुक था, और क्या जिया की मौत सुसाइड थी या फिर कुछ और। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, कल रात 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।